हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। गीता कॉलोनी ब्लॉक 5 गली नंबर 7 के पास एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी, पुलिस जांच में जुटी। तस्वीर आप देख सकते हैं कि सहादरा जिला के गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र के गीता कॉलोनी ब्लॉक 5 गली नंबर 7 के पास की है, जो कि सहादरा जिला के DCP रोहित मीणा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गीता कॉलोनी थाने को इसकी सूचना रविवार रात 8:25 के आसपास कॉल प्राप्त हुई थी कि गीता कॉलोनी ब्लॉक 5 गली नंबर 7 के पास पार्क के अंदर एक युवक को मार दिया है, जिसकी डेड बॉडी गली में पड़ी है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गीता कॉलोनी थाने के SHO सत्यवान और ACP चंद्रकांता भी मौके पर पहुंची और DCP रोहित मीणा भी पहुंचे, जहां जांच की और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मौके पर क्राइम टीम को भी बुलाया गया और साथ में FSL टीम को भी बुलाया गया है। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है और घटनास्थल के आसपास के लगे तमाम CCTV फुटेज चेक कर रही है, जिससे कि आरोपियों का पता लगाया जा सके। क्या कुछ कह रहे हैं इस पर DCP रोहित मीणा, सुने बाइट। ये लगभग हमें 8:25 पे कुछ PCR कॉल मिली थी और इसमें हमारी टीम ने जब मौके पर आए तो देखा गया कि यहाँ पे एक डेड बॉडी एक आदमी की पाई गई और जिसकी उम्र लगभग 30 के आसपास देखने से लग रही है। और जो क्राइम ऑफिस से पता चला है, यहाँ पर पहले कुछ झगड़ा हुआ था, झगड़े के बाद ये इसमें इंजरी से जो हमारे जो मरने वाले शख्स की यहाँ मृत्यु हो गई। पार्क के अंदर था, हाँ ये पार्क के अंदर हुआ था झगड़ा और उसके बाद जो जो पार्क के गेट के बाहर ये जो हमें जो मरने वाले की हमें डेड बॉडी मिली थी। सर, मरने वाले का नाम पता लगा अभी? इसमें हमारे कुछ क्लूज मिले हैं, हम कह रहे हैं इसमें इन्वेस्टिगेट।